गालबन 99% लोग जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते ने ये मंग करके ही जाते ने। ये सब तो थले दी श्रेणी, सब तो थले किसी की आर्थिक लोड़ा ने। मैं दिल्ली विच देख के दंग रह गया, एक दो शहरां च होर भी असी चली आ पै कटते हैं। 40 दिन जाना है, हुण 40 दिन जाना है। इस तरह गुरु ग्रंथ साहब दे ते है नहीं 40 दिन जाना है, ऐसा भाई गुरदास ने नहीं लिखिया। 40 दिन जाना है, ऐसा भाई नंद लाल ने नहीं लिखिया। पता नहीं कि थां तो इन्होंने पढ़ लिया चलिया कटना, चलिया कटना, पता नहीं कितों पढ़ लिया कितों सुन लिया। मैं तो एक नूं कह दिता पानी 40 दिन पियोगे, रोटी 40 दिन खाओगे, बाद विच नहीं ना खाओगे। भोजन का भी चलिया कट लो, सिर्फ भजन का ही चलिया। फिर सिर्फ भोजन 40 दिन खाओ, अगे छड़ दो नहीं, अगे नहीं लो। भोजन की तो जिंदगी लोड़ है, भजन की तो जिंदगी लोड़। एक शरीरक ताजगी देता है, भुख मिटाता है, एक आत्मक आनंद देता है, रस देता है। चलिया अज्ञानता से खड़ा है, मूर्ता से खड़ा है। यह भी महज कर दें पर किया की जाए, चौथी श्रेणी है, सब तो थली श्रेणी है, मंग से खड़ा है। 40 दिन जाने हैं, शायद साढ़े शरीरक मसले हल हो जाए। चलो चलिया कटते हैं, शायद आर्थिक लोड़ा पूरिया हो जा। संसार का भ्रमण करदे होया जब मैं कोई कहता है गैनी जी अरदास करो, अरदास बस चौथी श्रेणी की होंगी, सब तो थले आ गए। ऐह मसला है साढ़ा, ऐह मसला है साढ़ा, ऐह मसला है। तो वह बड़ा मैं कठोर समझ लेंदे हो गए। मैं कई तरह की अरदास मेरे को नहीं आती, होंगी नहीं। गुरु चंगा ही नहीं लगता थानू। मां नू पता है, पिता नू पता है मासूम बच्चे दियां लोड़ां की ने। उस परमात्मा नू इतना भी नहीं पता मेरिया समस्यावां की ने। नहीं हल हो रही तो शायद इस दे विच भी भलाई होवेगी। जैसे एक बच्चा रोण लग पैंदा है, वह अग दे च हथ पाता है तो मां उहदे हथ नू रोकदी है, वह नहीं रुकता तो मां डांटदी है। डांट करके रोकण करके ये बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठता है। मैं अग नू पकड़ना चाहता है, पकड़ना नहीं देती। मैं अग दे च हथ पाना चाहना, यह मैनू डांटदी है। बच्चा मां नू दुश्मन समझ जांदा है। मां मित्र है, मां मऊ करके उसनों रोक दी है, प्यारा लग रहा उसनों बच्चा। ते उदे रोने नू वेख के मां आखे अच्छा जा, तो हुण मां दुश्मन है, हुण मां दुश्मन, जा हथ पा, जा पकड़ अग नू, हुण मां दुश्मन है। जिथे किथे साडी लोड़ मंग परमात्मा नहीं पूरी कर रहा, वो साडे वास्ते ठीक नहीं होवेगी, नहीं होवेगी। इसनों तो मैं अपने तजर्बे की बिना से भी कह दिया, नहीं ठीक होवेगी, नहीं ठीक होवेगी। अगर पूरी किधरे हो जाती तो फिर दुर्घटना ही होनी सी, कुछ भी नहीं। ये बाद विच समझ आती है, हे प्रभु चंगा होया तू मेरी वो मंग नहीं पूरी की थी, तू मैनू अग दे च हथ नहीं पाण दिता, चंगा किया। जैसे बच्चा जवान आता थोड़ा समझ आती है, फिर पता चलता है मां ने डांटिया सी, मां ने रोकिया सी, चंगा किया। अग दे च हथ नहीं पाण दिता सी, चंगा किया। सहजे सहजे अध्यात्मक विकास जिन्हों का होंदा है, जप करते हैं, उन्होंने समझ आती जाती है रोज़ रोज़, हे प्रभु जिहड़ियां जिहड़ियां ख्वाहिशां तू साडियां नहीं पूरियां कीतां, उहदे विच ही साडी भलाई सी, उहदे विच ही चंगियाई सी। ये समझ आ जाती है, ये पता चल जाता है कि जिहड़ा ये आखे हे रब्बा तू किहड़े कम दा, साडी ये गल ते मन्नी नहीं, तू इच्छा तो पूरी नहीं की। ये उस मूर्ख बच्चे की तरह जो अग दे च हथ पाना चाहता है, तो मां नू जो है दुश्मन समझ बैठता है। धन गुरु रामदास जी महाराज अज जो कुछ इस पवन पावन पवित्र वाक दे च प्रमाण कर रहे हैं, ये मनुख की मनन शक्ति का जिक्र है। भाव मन का जिक्र है, मन की है, मनन शक्ति का मजमू। मन मिले है मनन वास्ते, मैं जिसनों मनदा वह फिर मेरे मन का हिस्सा बन जाता है, जिसनों मैं मनदा नहीं वह मेरे मन का हिस्सा नहीं बनता। अक्सर ऐसा होता है,
पुत्र नो पुत्र करके मन ने मन लिया, मित्र नो मित्र करके मन लिया, धन नो धन करके मन लिया, पत्नी नो पत्नी करके मन लिया, पति नो पति करके मन लिया, भरा नो भरा करके मन लिया, मन ने गुरु नो गुरु करके नहीं मनिया, मन ने परमात्मा नो परमात्मा करके नहीं मनिया। जिन्हों मन लिया वो कहिंदा मेरा अपना है, जिन्हों नहीं मनदा कहिंदा ओ पराया है, बेगाना है, बेगाना। सतगुरां दा बड़ा सुंदर वाक भी है, माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन सिंह हेत वधाया, सब किस अपना एक राम पराया। ऐ भी मेरा है, ऐ भी मेरा है, ऐ भी मेरा है, ऐ भी मेरा है, ए परमात्मा बस एक तो नहीं मेरा, तू पराया है, तू पराया। करीबन करीबन मनुख इसे ढंग नाल जी रहे, इते कदी कदाई कोई कबीर दी तरह कह उठदा है, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मिले मन मानिया, हे राम हुण सारी कायनात जे सिर्फ मैं तेनू अपना करके जाने, तेनू अपना करके मने, जितना तू मेरा अपना है इतना कोई मेरा अपना नहीं, तू सदा संग है, बाकियां दा संग वक्ती है, आज है न कल कोई नहीं, किसे वक्त है न किसे वक्त नहीं, तू ते सदा संग है, जितना तू अपना है इतना कोई अपना नहीं, जो सदा संग है वो ओपर है, ते जिन्हां दा संग वक्ती है वो अपने ने। बस इत्थों ही भ्रांति खड़ी हो जांदी है, इत्थों ही भुलेखा खड़ा हो जांदा है। फिर मैं अर्ज करा, मनना मंग ते खड़ा होवेगा, मनना प्रेम ते खड़ा होवेगा, मनना श्रद्धा ते खड़ा होवेगा, मनना भगती ते खड़ा होवेगा, मनना जो मंग ते खड़ा है, ये देखते मनुख पशु ही बनिया रहिंदा है, मनुख भी नहीं आउंदा। मनना प्रेम ते खड़ा है तो इसके अंदर मनुखता पैदा हो गई, मनना श्रद्धा ते खड़ा है तो इस देवता बन गया, मनना भगती ते खड़ा है हुण परमात्मा दा रूप ही हो गया, ये ईश्वर दा रूप हो गया, ये ते अकाल पुरख दा रूप हो गया। हुण अपने अंदर झात मार के देख लेना, साडे मनण दी बुनियाद की है, साडे मनण दा जो है कारण की है। धन गुरु रामदास जी महाराज इस मनन शक्ति दा दनासी राग दे पावन पवित्र वाक दे जिक्र कर रहे ने, अखरी अर्थाव सरवण करो, एक दफा प्यार ना लखो, सतना श्री वाहे गुरु वाहे गुरु। दनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवह, सब गावह हर हरि उत्तम बाणी। सेवक ते सिख दो शब्द वरते ने, शिष्य सिखिया ग्रहण करता है, ज्ञान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, सूझ बूझ लेना चाहता है। सेवक कोई लोड़ नहीं, सोच समझ दी, असी सेवा करके ही प्रसन्न, सेवा करके ही खुश हाँ, असी तो सेवा ही करनी, असी मन लेने तो महान है, असी तो सेवा ही करनी। तो महाराज कहते ने सेवक ते सिख सारे पूजन ले आते ने, ते पूजा का साधन बनाते ने, हरि दे बोलां का उचारण, हरि की कीर्ति गायन करनी, सुंदर बाणी के जो है बोल बोलने, पर ये गावे होया, ये सुने होया, ये बोले होया किना दा लिखे लगदा है। हाँ जी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावा, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। जिन्होंने गुरु दी हर आग्या नु हर वचन नु सत सत करके मानिया, अपनी आगे आगे नहीं रखी, गुरु तू ऐ कर ऐ कर ऐ कर इस करके मनदे आ, नहीं गुरु जो कहिंदा है उन्नु करन विच प्रसन्नता है, जिदी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤੀਰਥ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਔਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਦਾਰ ਤਿਨਕੀ ਤੁਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਤਾ ਹੋ, ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਨ ਜਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਕਿਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੂਜ ਵੇਡਾਨੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
अनेकता मिट जाती है। लहरां छोटियां वड्डियां उसनों दिखाई देंदियां ने, पर लहरां दे सागर नूं देखदा है, वह सारियां किरणां दे सूरज नूं देखदा है, वह सारे रूपां विच उस अरूप नूं देखदा है। जद देखदा है तो सब बराबर उसनों दिखाई देंदे ने, चाहे वह गुरु है चाहे वह चेला है, चाहे वह मालिक है चाहे नौकर है, वहां सम ठाकुर सम चेहरा। अर्ध उर्द दो ते नाई, रात दिन रस्ते नाई, भगत कबीर कहना अर्ध उर्द छोटा ते वड्डा खत्म हो गया, बराबर समतल, क्योंकि उसनों दिस पैंदा सारियां च सागर है, सारियां के ओही सूरज, मैं किसनू छोटा वड्डा आखा, सारियां के ओही सागर है लहरां विच, मैं किसनू छोटा वड्डा आखा। उसनों सारियां विच ओ एक दिखाई दे जांदा है, उसनों दिसदा है यह अनेकता उपरों उपरों उसका चौज है, उसका तमाशा है, वास्तविक वो एक है, वो गुरु भी है, वो चेला भी है, वो सब कुछ है। हाँ जी, जान नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पाने। क्योंकि नियमावली उसने आप बनाई है, साधन उसने आप जुटाए ने, तो जेड़ा उन्हां साधना नु अपना लैंदा, उस नियमावली नु मन लैंदा, उते परमात्मा दा नियम है। इसी हिसाब नाल अगर कोई मिल गया, इस अवस्था तक पहुंच गया, उसने आप ही मिलाया। जो साधन उसने बनाए ने, मन मनने ते है, मन ना मनने ते नहीं है। ते मैं हुण ना करदा नहीं है, ते हुण मैं आखा मेरा मन उसका रूप हो जाए तो नहीं होवेगा। ये नियम उसने आप बनाया है, अगर इस नियम नूं कोई मनदा है तो ये नियम परमात्मा का नियम है। इस नियम के मुताबिक वो परमात्मा का रूप हो जाता है, तो उसनों परमात्मा ने ही मिलाया अपने विच, क्योंकि उसे दे नियम ने बनाया, उसके बनाए हुए जो है तरतीब ने, उसके बनाए हुए साधना ने, उसने बनाए हुए कारणों ने उसनों परमात्मा तक पहुंचाया।